पाई बाय टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय टू। देन एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू। साइन 90 का वैल्यू वन। आप देखिए गिवेन जो है वो लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। इफ यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए सपोज करते हैं, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी सपोज करते हैं एंड साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी सपोज करते हैं, तब क्या होगा? एक्स इक्वल टू इफ नहीं यदि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए वाई इक्वल टू साइन बी एंड जेड इक्वल टू साइन सी। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू ए सपोज किया, साइन इनवर्स वाई का वैल्यू बी, साइन इनवर्स जेड का वैल्यू सी इज इक्वल टू पाई वन। अब लेफ्ट साइड हम लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करना है, एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू पुट कीजिए बुआ, एक्स का वैल्यू क्या है? साइन ए इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू साइन ए तो साइन स्क्वायर ए। वाई का वैल्यू साइन बी वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू साइन बी साइन स्क्वायर बी। प्लस जेड का वैल्यू साइन सी अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर सी। क्या हो जाएगा? अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए साइन बी ये भी हो गया कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी साइन सी कॉस सी। टू से डिवाइड एंड टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीन टर्म है, प्रत्येक टर्म में टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू साइन ए इंटू कॉस ए टू साइन बी इंटू कॉस बी टू साइन सी इंटू कॉस सी हाफ टू साइन ए इंटू कॉस ए साइन टू ए, ये हो गया साइन टू बी, ये हो गया साइन टू सी साइन टू सी। अब हुआ टू ए को सी सपोज करें, टू बी को डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी बाई टू। आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो गया? टू ए डी हो गया टू बी, टू कॉमन ले लेते हैं ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन टू सी, टू टू कैंसिल कीजिए, टू टू कैंसिल कीजिए, टोटल एंगल है, एंगल का कैंसिल होता है एंगल का एंगल से ही, समझे ना?
ये टू इससे कैंसिल नहीं होगा, ये एंगल का टू है, ये एंगल का है टू, ये एंगल का है, दोनों का ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तब कैंसिल किया है। छोटा छोटा चीज पर ध्यान रखिएगा, बेसिक आता है बच्चे। आप देखो बुआ साइन टू सी, साइन टू सी को हम तोड़ सकते हैं टू साइन सी इंटू कॉस सी। अब हाफ साइन ए प्लस बी का वैल्यू यहां देखिए हम निकाले हुए हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तब आपका ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा पाई माइनस सी, ए प्लस बी का ए प्लस बी का वैल्यू रख रहे हैं पाई माइनस सी, कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इंटू कॉस सी, हाफ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन साइन टू साइन सी इंटू कॉस सी। आपको यहाँ ना जी ऊपर से अब आपको टू टू कॉमन ले लेते हैं, टू साइन सी कॉमन ले रहे हैं, टू साइन सी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचा कॉस ए माइनस बी, यहाँ बचा कॉस सी, कॉस सी या सी का वैल्यू जो रख रहे हैं वाइस से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी हाफ साइन सी कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी को थीटा मानिए, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस ए प्लस बी, थोड़ा सा और बचा हुआ है सर। हाँ नीचे क्या लिखे हैं, यहाँ लिख रहा है वही चीज, यही चीज यहाँ लिखिए जो लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ए माइनस बी को सी मानते हैं, ए प्लस बी को डी मानते हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ए माइनस बी सी हुआ, ए प्लस बी डी हुआ बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी हो गया ए प्लस बी माइनस ए आप प्लस बी बाई टू। आप साइन सी इंटू टू साइन यहाँ कैंसिल हो गया बी बी और बी टू ए बाई टू, आवाज नहीं टू बी बाई टू, टू टू कैंसिल, टू टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, आपको क्या निकल गया साइन ए साइन बी साइन सी। देखो बुआ यहाँ से देखो टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू नहीं रहेगा, टू नहीं रहेगा हटा दीजिए, फिर से देखिए देख यहाँ टू था, टू टू कॉमन ले लिए टू कैंसिल हो जाएगा, क्या कॉमन लिए थे टू साइन सी कॉमन लिए थे टू टू साइन सी, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा साइन सी बचा कॉस ए माइनस बी प्लस का आपको सी के जगह पर क्या रखे पाई माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी को थीटा मानिए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा वैल्यू ए प्लस बी, ये टू यहाँ नहीं रहेगा समाप्त हो जाएगा। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, फिर यही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं, अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू कैंसिल कर दिए हैं,
ये आपका टू साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए का वैल्यू एक्स, साइन बी का वैल्यू वाई, साइन सी का वैल्यू जेड, ये आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड प्रूफ, एक्स वाई जेड के बीच का रिलेशन निकालना है। शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, 13 का थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड आर इन आई ए पी, तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा। टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बाई एक्स वाई, टेन इनवर्स जेड माइनस वाई बाई वन प्लस जेड वाई, इसलिए वाई माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स वाई, जेड माइनस वाई बाई वन प्लस जेड वाई, नुमरेटर इज इक्वल टू नुमरेटर अंश इज इक्वल टू अंश एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, इससे आपको हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मीन्स आपका एक्स वाई जेड आर इन आई एन ए पी, एपी पढ़े होंगे लगातार पदों का अंतर बराबर रहेगा तो एपी हो जाएगा। अब इसके द्वारा वन वन कैंसिल करें, एक्स वाई इक्वल टू जेड वाई, वाई वाई कैंसिल कर दे एक्स जेड, यहाँ से लाए हुए हैं वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड, टू वाई, एक्स जेड का वैल्यू एक्स, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ निकल गया एक्स इक्वल टू जेड एंड एक्स इक्वल टू वाई, यह निकल गया पर टू जेड, ये प्रूफ करना था, एक ये एक प्रूफ करना था एक्स वाई जेड आर इन एक्स। तो बनाने के पहले आप सोचिए कि इधर यदि टेन आ जाएगा तो टेन पाई बाय फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, तो दोनों को हम टेन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स, इसको भी टेन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करते हैं, साइन इनवर्स इक्वल टू वन बाय रूट फाइव, मतलब साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हो गया वन और रूट फाइव कर्ण हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा टू, तो आपको टेन लंब बटा आधा टू होगा ना, इक्वेशन है तो टोटल आपको उतारना है पाई बाय फोर। अब आपको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टेन इसको वन बाई एक्स को एक्स मानिए, वन बाय टू को वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वन बाई टू वाई टू, टेन इनवर्स इक्वेशन है लेफ्ट साइड इंप्लाई देंगे, टेन इनवर्स एलसीएम टू एक्स, इसका भी एलसीएम टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको टू प्लस एक्स, यहाँ आपको टू एक्स माइनस वन पाई बाई फोर, देन टू एक्स टू प्लस एक्स बाई टू एक्स माइनस वन टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू आप जानते हैं वन, आपको टू प्लस एक्स बाई टू एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, टू प्लस एक्स क्रॉस कर देते हैं टू एक्स माइनस वन, ये हो गया वन आपका एक्स, टू प्लस वन थ्री, आगे आपका हो गया एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू क्या निकला थ्री, यही आपका।